अभिनंदन 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 फ्राइडे फेस्टा एट 7 PM पावर्ड बाय मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाय राजेश तारा के इस नए एपिसोड में हम आपका अभिवंदन करते हैं, अभी आपका अभिवादन करते हैं। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बताया कि फ्राइडे फेस्टा का हमारा ये सफर धीरे धीरे करके अपने 25वें एपिसोड की तरफ पहुंच रहा है। बहुत प्रेम इस दौरान आप सबका हमको मिला और यही कारण है कि हम धीरे धीरे करके विभिन्न शहरों से विभिन्न अतिथियों को हमारे यहाँ हम आमंत्रित करते आए हैं और हमने हर सप्ताह एक नए शहर के बारे में, वहाँ के जायकों के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में जिक्र किया, बातचीत की और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद कुछ शहरों में तो यहाँ इस शो से प्रेरित होकर मैं खुद भी गया और हमारे गेस्ट ने, हमारे मित्रों ने हमारा साथ दिया और हमको उन जगहों पर लेके गए जिस जगहों के बारे में उन्होंने इस शो में बात की थी। हमारे बहुत से दर्शकों ने भी हमको संदेश भेजे कि शो से प्रेरित होकर वो भी उन जगहों पर गए, बहुत सारी जगहों पर गए और उन्होंने वहाँ के खाने का एंजॉय किया, वहाँ के जायकों का मज़ा लिया। तो इसी के चलते जैसा कि हमने बताया कि 25वां एपिसोड हमारा बहुत जल्दी ही इसी अक्टूबर के महीने में ही आएगा, उसके उपलक्ष में हमने एक पुरानी दिल्ली में 23 अक्टूबर को एक फूड वॉक रखी है जिसमें मैं 25 लोगों के साथ पुरानी दिल्ली की उन गलियों में जाऊंगा और जायकों का आनंद लेंगे सुबह नाश्ते में। तो उसकी हमने सूचना अपने फेसबुक के पेज पर डाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उसमें अपना नाम दर्ज कराएं जो लोग जाने में इच्छुक हैं, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई है। अब फूड वॉक से ध्यान आया कि मैंने जिक्र किया कि एक शहर है देहरादून, बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारा सा शहर है और देहरादून की एक खासियत यह है कि दिल्ली और आसपास के लोग, जब पूरे हिंदुस्तान भर के लोग जब छुट्टियां मनाने जाते हैं या तो हरिद्वार जाते हैं और या मसूरी जाते हैं और देहरादून से गुजरते हुए जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि देहरादून में या तो रात गुजारते हैं ताकि सुबह उठ के मसूरी जाया जाए या रात हरिद्वार में गुजारते हैं और उसके बाद सीधे ड्राइव करके जाते हैं मसूरी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देहरादून से प्यार है और वो देहरादून रुकते हैं। तो देहरादून एक ऐसा शहर है, उसके अपने जायके बहुत ज़बरदस्त हैं, उसके अपने खानों का एक ट्रेडिशन है। कुछ एक चीज़ें वहीं देहरादून की हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं और बहुत यूनिक हैं। तो इस बार हमने देहरादून से आमंत्रित किया अपने हमारे एक मित्र को, मैंने उनके इंट्रो वीडियो में भी जिक्र किया था, श्री लोकेश ओहरी। लोकेश ओहरी जी देहरादून में ही पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं और देहरादून के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और उन्होंने ये सोचा कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उस पर कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए उसको बेहतर शहर बनाने के लिए। तो ओहरी साहब एक ऑथर भी हैं, बुक लिखी है उन्होंने, उनके बारे में भी आज उनसे चर्चा करेंगे। वो देहरादून में एक वॉक ग्रुप चलाते हैं, वॉकिंग ग्रुप है उनका नाम है, उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बीन देयर डून दैट, बहुत ही फेमस ग्रुप है वहां पे। उस ग्रुप की मेरे से जब चर्चा कर रहे थे, 50-60 ट्रेल्स ऐसी हैं जो देहरादून और उसके आसपास की हैं और वो हर सप्ताह वो कुछ लोगों के साथ उसको वॉकिंग ट्रेल्स पे जाते हैं और इसी नाते उनको वहां पे, क्योंकि बचपन से पले बड़े वहां हैं और वॉक ग्रुप्स चलाते हैं और ऑथर भी हैं, तो वहां के जायकों में उनकी विशेष रुचि है, वहां के जायकों के बारे में, वहां के खाने के बारे में उनका विशेष महारत हासिल है, उन्होंने बहुत स्टडी करी है और कुछ एक वीडियोस में भी उन्होंने अपनी इस चीज़ को शेयर किया है। तो मैं आज आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच लोकेश ओहरी जी ऑलरेडी आ चुके हैं और जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है कि हम अतिथि को आपके सामने लाने से पहले उनकी एक झलक दिखाते हैं, तो मैंने एक झलक उनकी कंपाइल करी है, मैं आपसे शेयर करता हूं। आप लोकेश ओहरी जी की एक झलक देखिए, उसके बाद मैं लोकेश जी को आपके समक्ष लेके आता हूं।
तो ये थी एक झलक लोकेश ओहरी जी की, काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं देहरादून में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और जब मैंने अनाउंस किया, मैं कल भी इनसे जिक्र कर रहा था, मुझे बहुत से संदेश फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे आए। कुछ लोग देहरादून से गुड़गांव शिफ्ट हुए, गुड़गांव से बॉम्बे चले गए, कुछ और शहरों में चले गए। बहुत सारे लोगों ने संदेश दिया कि हम तो ओहरी साहब को जानते हैं, उनके वॉकिंग ग्रुप्स में हमने पार्टिसिपेट किया है, उनकी बातचीत हमने सुनी है। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। कुछ लोग देहरादून के हैं, वो अब हमारे पास दिल्ली में, देहरादून में, यहाँ गुड़गांव में बसते हैं, उन्होंने भी कहा कि ओहरी साहब को जानते हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है आज के शो में। तो मैं ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवाऊँगा, ओहरी साहब के स्वागत में और उनकी शान में एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा ओहरी साहब आपके लिए, कि उनकी शख्सियत में उनकी महफिल में, अब इनकी महफिल भी है ना, वॉकिंग ग्रुप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है, तो उनकी शख्सियत में, उनकी महफिल में जो शोर देखा हमने, आंखें हैरानगी से देखती रह गई बस, फिर ना कुछ और देखा हमने। तो ये शख्सियत है लोकेश ओहरी जी की। मैं ओहरी साहब को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप सबके साथ जुड़े। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार ओहरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है हमारे शो फ्राइडे फिएस्टा एट 7 PM में। आपने आना स्वीकार किया, मुझे बहुत खुशी है, हमारे दर्शकों को खुशी है, आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत खुशी है राजेश जी की मैजिक ऑफ फ्लेवर्स के इस लाइव वीडियो में मैं आपके साथ हूँ और देहरादून की चर्चा करेंगे, देहरादून की बहुत बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो लोकेश जी, हम शुरुआत ही इससे करेंगे कि आपके में बड़ी, जिसको बोलते हैं कि एक ही शख्सियत में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू हैं। आपने किताब भी लिखी है, आप वॉकिंग ग्रुप्स भी चलाते हैं, खाने में भी रुचि है, तो थोड़ी सी हमको अपनी ये जो जर्नी है इसके बारे में परिचय करवाएं हमारे देखने वालों के लिए। जी राजेश जी, जैसा आपने बताया कि मैं देहरादून में ही पैदा हुआ और देहरादून में पैदा होने से और यहाँ पे रहने से पहाड़ों के लिए एक लगाव मन में शुरू से रहा और बचपन से पैदल चलते रहे, साइकिल पे घूमते रहे और इन पहाड़ों को देखते रहे और इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी भी इकट्ठा करते रहे। तो थोड़ा बहुत रिसर्च का भी शौक था, जानकारी इकट्ठा करने का शौक था। तो जब बड़े हुए तो पहले कॉरपोरेट वर्ल्ड में गए, कॉरपोरेट में जॉब किया कुछ साल, फिर ऐसा लगा कि नहीं, अपने शहर वापस जाना चाहिए। बड़े शहर बहुत हो गए और वापस आ गए देहरादून हम जी। और देहरादून में फिर से वही घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हुआ। और वैसे मैं बाय प्रोफेशन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, एक टीचर भी हूँ, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगा कि एक क्लासरूम ऑन द स्ट्रीट शुरू करना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग देहरादून के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक जान नहीं पाए हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ की फूड के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की नेचर के बारे में, उनको हमने पैदल चलाना शुरू किया, जगह जगह पे ले जाना शुरू किया और इन जगहों के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे वो कम्युनिटी बहुत ग्रो कर गई, बहुत बढ़ गई। और फिर एक किताब भी हमने लिखी, मैंने और हमारे जो और वॉक लीडर्स हैं सब ने मिलके एक किताब लिखी जिसका नाम है वॉकिंग विद लाटा। तो ये किताब भी देहरादून की ट्रेल्स के ऊपर है, देहरादून की ट्रेल्स के बारे में इसमें लिखा गया है, उसमें बहुत कुछ जानकारी है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, फूड के ऊपर भी काफ़ी हमने जानकारी देने की कोशिश करी है। तो वही सिलसिला जारी है, हम लोगों को ले जाते हैं घुमाने के लिए, मज़ा भी आता है, एक तरह का सेंस ऑफ एडवेंचर भी है और एक तरह का लर्निंग प्रोसेस भी है, जिससे कि हमें लगता है कि देहरादून की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, यहाँ का नेचर, यहाँ का जो पुराना कल्चर था सब मॉडर्नाइज हो रहा है। तो ये क्लासरूम ऑन द स्ट्रीट शायद इस पर कुछ काम करे और हम कुछ पुरानी चीज़ें बचा पाएँ और कुछ उसके साथ साथ कुछ पुराने जायके भी बचा पाएँ। वाह वाह। और साहब, ये जो आपने अपने ग्रुप का नाम रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है कि बीन देयर डून दैट, इसके पीछे क्या स्टोरी है?
हाँ, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वैसे तो अंग्रेजी में जो फ्रेज होता है वो होता है बीन देयर डन दैट, जो देखना था देख लिया, जो करना था कर लिया। तो बहुत सारे लोगों को यही लगता था कि देहरादून में क्या है, देहरादून में तो कुछ है नहीं, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का हिस्ट्री क्या है। ये तो जैसा आपने बताया कि ट्रांजिशन पॉइंट है कि दिल्ली से आए, बॉम्बे से आए, आपने यहाँ फ्लाइट से उतरे या ट्रेन से उतरे और सीधा मसूरी चले गए या हरिद्वार चले गए जी। तो और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी यही इम्प्रेशन था। जब हमने कुरेदना शुरू किया, हमने ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि भाई ये बीन देयर डन दैट नहीं है, ये बीन देयर डून दैट, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ देखने को है, बहुत इतिहास है, बहुत हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो कुछ ऐसा ही सोचा कि कोई ऐसा नाम रखे जो यूथ को अट्रैक्ट भी करे और बोलने में थोड़ा मुश्किल भी हो। जनरली लोग ब्रांड नेम जब रखते हैं, आप तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, आपको पता है, ब्रांड नेम रखते हैं तो सबसे आसान वाला ब्रांड नेम रखते हैं कि तो जुबान पे चढ़ जाए। लेकिन मैं हर काम कुछ उल्टा करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा टंग ट्विस्टर नाम रखा लोगों की जुबान पे चढ़ता नहीं है आसानी से। और अभी भी बहुत लोग गलत नाम लेते हैं उसका, कोई कहता है बीन डून दैट, कोई कहता है बीन देयर, उसके आगे रुक जाता है। तो लेकिन लोग फैसिनेट होते हैं इस नाम से, मुझे ना दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी ओरी साहब, और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी वहां आके अपने आंख से उसको देखना पड़ेगा। एक तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि क्लासरूम ऑन द स्ट्रीट, मतलब ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ऑब्वियसली ये ग्रुप की वॉक, तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन आके आपके वॉक ग्रुप में शामिल हूँ और एक ट्रेल आपके साथ की जाए, बड़ा मजा आने वाला है। जरूर आप आइए, मैं आपको फूड वॉक पे ले जाता हूँ। एक फूड वॉक भी करते हैं जिसमें हम देहरादून के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें आइए आप हमारे साथ। बिल्कुल। तो ओरी साहब, शुरुआत करते हैं देहरादून के जायकों की। और देहरादून के जायकों में सबसे पहले, जैसे कि आपने बताया कि देहरादून वॉज अ ट्रांजिशन पॉइंट, बट ऐसा नहीं है कि देहरादून की अपनी भी एक संस्कृति है, अपना एक कल्चर है, अपने भी खाने हैं, जायके हैं। तो देहरादून में आज, क्योंकि उसके आसपास के शहरों से भी लोग मिलते हैं, लोग आते हैं, शहर साथ में लगे हुए हैं, तो आपको देहरादून में अगर आप अपने आप को से 20-25,000 फीट ऊपर ले जाएं, ऊपर से नीचे जब देखते हैं, खाने का जो सीन है, कितनी धाराएं आपको नजर आ रही हैं उसमें? जी, जैसे पहाड़ की नदियां होती हैं तो उसमें बहुत सारी धाराएं होती हैं और बहुत सारे प्रयाग भी होते हैं, आपस में धाराएं मिल भी जाती हैं। तो वैसा ही कुछ देहरादून में हुआ, क्योंकि हमारा ओरिजिनली तो हम गढ़वाल क्षेत्र से हैं उत्तराखंड के, और गढ़वाली फूड तो खैर यहाँ का पुराना फूड है। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह पे गढ़वाली फूड अब मिलता नहीं है, कुछ ही एक चुनी हुई जगहों पे गढ़वाली खाना आप खा सकते हैं। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गढ़वाल के बाद यहाँ पे करीब 12 साल नेपाल का राज रहा इस एरिया। अच्छा, ओके। तो जो नेपाली गोरखा थे उनका भी एक खास जायका, उनका एक खास खाना देहरादून में आके मिल गया। और उसके बाद लगभग 1815 में जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो एक कॉलोनियल टच भी इस खाने में आया। वाह वाह। तो वो कॉलोनियल फूड, जो बेकरी की बात हम करते हैं कि देहरादून की बेकरी बहुत मशहूर है, अच्छी है, तो वो उस कॉलोनियल एंट्री से हुआ। जबकि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो उस तरह का खाना यहाँ पे बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से, जो मतलब हमारा पंजाब एरिया है, वहाँ से बहुत लोग माइग्रेट हुए इस तरफ और देहरादून और इसके आसपास आके बसे। तो वो भी इस पूरे जो हमारा फूड कल्चर है इसमें मिला। और उसके बाद 1960s में जब चाइनीज ऑक्यूपेशन हुआ तिब्बत का, तो तिब्बत से बहुत लोग आए। और आज जो तिब्बती खाना है वो मतलब देहरादून से आसपास के सभी शहरों में फैल गया है। इवन दिल्ली में जो मोमो, थुक्पा और चाउमीन और नूडल्स सब लोग खाते हैं, ये उधर पहाड़ों की तरफ से ही आ रहा है। जो कि टिबेटन कल्चर का पार्ट है। तो ये सभी धाराएं मिली हुई हैं और कई जगह पे एक ऐसा अजीब सा फ्यूजन कल्चर भी है कि जिसमें
देहरादून में जैसे कि कॉलोनियल फूड और हमारा ट्रेडिशनल फूड मिल गया आपस में, जैसे बन टिक्की यहाँ पे मिलती है, बन टिक्की बहुत पॉपुलर है जी, इस तरह से बन मक्खन बहुत पॉपुलर है, तो ये चीजें आपस में एक तरह का फ्यूजन भी है, तो कई धाराएं हैं आपस में मिली हुई भी हैं और प्योर भी हैं, तो दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं आपके खाने में। और ये सब ये तो मेरे लिए भी मतलब रेवोल्यूशन है कि मतलब नेपाली और तिब्बती, मतलब मैं कॉलोनियल तो मेरे दिमाग में था और बाकी लोकल भी था, लेकिन ये नेपाली और तिब्बती इन्फ्लुएंस भी है, ये आपसे जानकर मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और हमारे बहुत से मित्र हैं कैलकटा में और इधर दिल्ली में जो इस क्यूजीन के बहुत इंटरेस्टेड लोग हैं और काफी महारत हासिल करते हैं, आई थिंक हम आपसे उनके साथ बैठ कर चर्चा करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। जी हाँ, तो अब ऐसा करते हैं कि अब जैसे देहरादून के लोग हैं जो देहरादून में रहते हैं, जैसे आप फूड वॉक पे भी जाते हैं, दूसरे वॉकिंग ट्रेल्स पे भी जाते हैं, और सिमिलरली बाहर से भी लोग आते हैं, तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में मेरा जैसा आदमी जैसे बाहर निकल जाता है, सड़कों पे निकल गए वो, तो यहाँ पे वो वहाँ चाय के स्टॉल पे बैठ के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए, चाय पी रहे हैं, कुछ रस खा रहे हैं, टोस्ट, वो कल्चर है यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त कल्चर है क्योंकि यहाँ की मॉर्निंग्स बहुत प्लेजेंट होती है देहरादून की। जी जी जी। और बहुत ज्यादा लोग वॉक करते हैं और बहुत ही ज्यादा लोग अब साइकिलिंग भी करने लगे। अच्छा, तो साइकिलिंग हैज बिकम अ वेरी वेरी पॉपुलर स्पोर्ट, तो लोग दूर दूर जाते हैं, जैसे मसूरी रोड पे चले जाए आप, ओल्ड मसूरी रोड पे, तो वहाँ एक छोटी सी दुकान है हुकुम भाई की दुकान। अच्छा, हुकुम भाई जो शहनशाही आश्रम उस एरिया को बोलते हैं, एक आश्रम है देहरादून और मसूरी के बीच, तो शहनशाही आश्रम के बाहर हुकुम भाई की दुकान है जो कि जिंजर लेमन टी भी देते हैं और साथ में ये टिबेटन सॉल्टेड टी भी देते हैं। अच्छा, तो अच्छा। बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, वहां बैठ के खूब गपशप होती है और बन मक्खन के साथ इसको खाया जाता है, वही फ्यूजन वाली बात एक आ गई कि फ्यूजन भी होता है। वैसे ही एक पाली जी हैं, सरदार जी हैं, जो राजपुर में जिनकी दुकान है, जिनके चाय पकौड़े बहुत ही फेमस है। जी जी जी। और देहरादून शहर के बीचों बीच भी जैसे राजपुर रोड पे एक रामू शामू की दुकान है जहाँ की चाय लोग पसंद करते हैं। और फिर अगर हम नीचे टाउन ओल्ड टाउन में आ जाएं तो तिलक रोड एक जगह है जहाँ पे जैना की दुकान है, तो जैना की चाय और समोसे वो भी बहुत ही पॉपुलर है। और तो चाय के साथ तरह तरह की चीजें जो स्नैक हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, रस्क, बन मक्खन बहुत पॉपुलर है। जी। और अगर खास तौर से पकौड़े खाने हैं तो देहरादून से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली की तरफ बिहारीगढ़, तो जहाँ आप जैसे अगर दिल्ली से देहरादून आ रहे हो तो सुबह सुबह अगर आप पहुंच जाए, तो जब दिल्ली से देहरादून आ रहे होते तो थोड़ी सी ठंड लगने लग जाती है लोगों को, जब जैसे ही पहाड़ों में आते हैं गढ़ है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया पकौड़े और बहुत बहुत सारी दुकानें, कई कई दुकानें जो बहुत अच्छे पकौड़े और खास पकौड़े और चाय देते हैं। तो ये चाय जगह का नाम क्या है जहाँ बता रहे हैं, मतलब ये बेसिकली हरिद्वार और देहरादून के बीच की जगह होगी? नहीं, ये जब आप दिल्ली से सीधा यहाँ आए सहारनपुर की तरफ से, अच्छा, बिहारीगढ़ बिल्कुल जैसे फुट हिल्स में है, क्योंकि फुट हिल से फिर आप पहाड़ में जाते हैं, फिर नीचे वैली में उतरते हैं, तो जैसे ही आप पहाड़ चढ़ने लगते हैं वहीं पे ये बिहारीगढ़ है जहाँ के पकौड़े खाने लोग देहरादून से भी जाते हैं कई बार। वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो दिल्ली से ड्राइव करके आ रहे हैं उनके लिए बहुत मजेदार जगह है ये। जी हाँ, उनको बिल्कुल बिहारीगढ़ के लिए वेट करना चाहिए और वहाँ रुक के अंडे के पकौड़े, आलू के पकौड़े, बहुत ही महीन पकौड़े होते हैं, छोटे छोटे पकौड़े होते हैं लेकिन बहुत ही जायकेदार, बहुत ही अलग उसका टेस्ट है, और पहाड़ में बैठ के चाय और पकौड़े का तो अलग ही मजा है। वाह वाह। अच्छा, ओरी साहब ये बताइए कि मेरे जैसा आदमी जब देहरादून आया और सुबह चाय वाय का करने के बाद होटल गए नहा धो के, या लोकल लोग वहाँ के अगर बाहर नाश्ता खाने की इच्छा है तो लोकल नाश्ता वहाँ ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? हाँ, कई तरह का नाश्ता यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप पुराने बाजार में चले जाएं तो चेतनपुरी वाला है, चेतनपुरी की जो पूरी है बहुत ही मशहूर है और आप भी शायद आपने नाम सुना ही होगा। मैंने बहुत नाम सुना है, आपके वीडियो में भी देखा है उसको कि चेतनपुरी वाला है।
जी हाँ जी हाँ, ये टिपिकल बनिया फूड जिसको हम बोलते हैं कि पूरी है और आलू है, साथ में चने हैं जी, रायता है और उसके बाद खीर, तो ये अपने आप में एक पूरा होलसम ब्रेकफास्ट है। उसके बाद उनके पास नवरत्न लड्डू भी होते हैं तो वो हम खा सकते हैं। थोड़ा सा और बाजार में अंदर की तरफ जाएं तो कतलम्मे देहरादून का बहुत जाना माना नाश्ता है और बहुत लोग सुबह सुबह लाइन लगा के कतलम्मे खाते हैं। तो कतलम्मे जी, कतलम्मे बहुत ही हैवी फूड है, अगर आप मतलब बिल्कुल तेल में तर खाना खाना चाहें तो कतलम्मे वैसे फ्रंटियर से आता है, फ्रंटियर का फूड है जो कि पार्टीशन के बाद देहरादून में आया, बहुत कम शहरों में मिलता होगा मेरे ख्याल से। नॉर्थ जलंधर में, जलंधर में एक दुकान है बहुत पुरानी, मैं अभी गया था 2-3 महीने पहले, वो है कतलम्मे और कतलम्मो के साथ वो हलवा देते हैं, कड़ा कल कतलम्मा। अच्छा, लेकिन यहाँ देहरादून में जो है कतलम्मा वो एक्चुअली एक पिशौरी कतलम्मा होता है, पिशावर से जो आता है वो तला जाता है, डीप फ्राइड किया जाता है, कई लेयर्स होती हैं और डीप फ्राइड होता है। और दूसरा लाहौरी कतलम्मा है, वो थोड़ा खमीर लगा के ब्रेड जैसा होता है। तो हमारा जो कतलम्मा देहरादून का है वो थोड़ा पेशावरी कतलम्मा है, बहुत डीप फ्राइड और बहुत बड़ी रोटी होती है उसकी। हाँ जी, और हाँ जी। एक जो पीपे वाले चने होते हैं कि आप चने को बॉईल करते रहिए उस पे स्लो, इस पे आंच पर उसको हल्का हल्का बॉईल करते रहिए, उसमें मसाला डालते रहिए, उसके साथ खाते हैं। अच्छा, तो कतलम्मे छोले बहुत यहाँ की फेमस ब्रेकफास्ट है। अगर आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना चाहें तो वो भी मिलता है यहाँ, जैसे यहाँ पे एक कालसंग कैफे है, तो कालसंग कैफे का ऑल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है जिसमें बहुत वैरायटी है और बहुत ही होलसम ब्रेकफास्ट है और मेरा काफी फेवरेट है। अच्छा जी तो मेरे थोड़े से टेस्ट कॉन्टिनेंटल है तो मुझे वो अच्छा लगता है ऑल इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्योंकि तो क्या क्या उसमें ऑल इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या क्या सर्व करते हैं? उसमें बेक्ड बीन्स होते हैं, उसमें मैश्ड पोटैटोज होते हैं, आप डिफरेंट बॉइल्ड एग या ऑमलेट भी ले सकते हैं साथ में, उसमें हैश ब्राउन्स होते हैं, सॉसेजेस होती हैं, और और ड्रिंक्स में आप चूज कर सकते हैं कि आप कॉफी लेना चाहें या कोई और बेवरेज लेना चाहें तो वो आपको मिलती है। बहुत अच्छा स्प्रेड होता है, बहुत लैविश स्प्रेड होता है उनका। तो वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी है, और अगर चाइनीज टिबेटन खाना चाहें तो देहरादून के आसपास बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं आउटस्कर्ट्स में, तो आप मोनेस्ट्रीज में जाइए और आपको टिबेटन फूड, थाई फूड की बहुत चॉइसेस मिलती हैं, कई तरह के मोमोज मिलते हैं, वेजिटेरियंस के लिए लौकी मोमोज भी मिलते हैं। अच्छा, लौकी मोमोज तो थोड़ा नई चीज है। और बहुत प्राउडली यहाँ मतलब दुकानदार बोलते हैं कि हाँ भाई ये लौकी मोमो है, कि मतलब लोगों को कोई डाउट ना रहे कि भाई ये अगर वेजिटेरियन बना रहा है तो पता नहीं क्या डाल रहा है, तो वो बताते हैं यहाँ ग्रेट करके लौकी ही डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, और नॉन वेज तो खैर हर तरह का नॉन वेज मिल ही जाता है, तो टिबेटन फूड के बहुत ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। और जैसे छोला भटूरा खाने हो तो मोती महल है, मोती महल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे छोला भटूरे, और कुमार फूड्स है, कुमार स्वीट शॉप है जहाँ पे बहुत ही अच्छा पूरी आलू और चने और इस तरह का जो हैवी ब्रेकफास्ट है भटूरे वो सब मिल जाता है। तो ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस हैं, पर ये ज्यादातर दुकानें जो हैं इनका थोड़ा सा देहरादून में थोड़ी लेड बैक लाइफस्टाइल है। अच्छा अच्छा, तो दिल्ली की तरह नहीं है कि आपका दिन 7 बजे शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे सब दुकानों का 10 बजे के आसपास खुलती है और तभी हमारा ब्रेकफास्ट भी शुरू होता है। उससे पहले हम चाय वाली तो सुबह खुल जाती होंगी, जो चाय वाली सुबह सुबह खुलती है, मतलब 5-6 बजे ही खुल जाती है, तो जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं या साइक्लिस्ट हैं उनके लिए वो अवेलेबल है। और ये ब्रेकफास्ट वाली 10 बजे के बाद से जाना तो मतलब अच्छा रहेगा, बढ़िया वाला। जी हाँ जी। तो सर अभी ब्रेकफास्ट की बात करी और आपने कॉन्टिनेंटल की भी बात करी, तो इसमें एक जिसको बोलते हैं इससे रिलेटेड ही चीज़, और बेकरी की भी आपने चर्चा करी थी, वो देहरादून में बेकरी बहुत ज़बरदस्त बेकरीज हैं और बहुत ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल का इम्पैक्ट है, तो ज़रा बेकरीज के बारे में चर्चा की जाए कि देहरादून की बेकरीज।
जी हाँ, तो देहरादून की बेकरीज बहुत बेहतरीन है। आप पूरे देश भर में देहरादून के रस्क, देहरादून की बिस्किट्स बिकते हैं, या तो उस नाम से बिकते हैं, चाहे वो बेशक देहरादून के ना हो लेकिन फिर भी उस नाम से बिकते हैं। तो देहरादून में एक खास बात आपको ये बताऊं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो एटमोसफियर है, वो जो एक यहाँ पे बहुत फेमस बेकरी है, सनराइज बेकरी। हाँ, तो सनराइज बेकरी जी। सनराइज बेकरी के ओनर्स जॉली अंकल, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई, तो उनसे बातचीत करते हुए मुझे उन्होंने बताया कि देहरादून में जो वेदर है और जो पानी है, वो खासकर बेकरी के लिए बहुत ही सूटेबल है कि आप जब भी खमीर लगाते हैं मैदे में, तो वो खमीर अपने आप उठ जाता है। दुनिया में और भी कहीं आपको अगर वो खमीर लगाना है तो फिर आपको टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन देहरादून में ऐसा नहीं है। देहरादून के नेचुरल वेदर में ही खमीर अपने आप उठ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ का वेदर और यहाँ का पानी जो है, ये हेल्प कर रहा है बेकरी में। जी हाँ, तो वो उससे जो लोगों की सीक्रेट रेसिपीज हैं हमारे बेकर्स की, तो उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ आता है। खासकर यहाँ के जो पिस्ता बिस्किट्स हैं, रस्क्स हैं, केक रस्क्स हैं, क्रीम रोल्स हैं, और बहुत ही तरह की कुकीज हैं, बहुत ही तरह के बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं। तो मेरे ख्याल से सनराइज बेकर्स का नाम तो सबसे पहले आना ही चाहिए अगर बेकरी की बात करें। और उसके साथ साथ बेक मास्टर्स हैं, तो बेक मास्टर्स एक सनराइज से ही निकला हुआ डिराइव्ड एक और इंस्टीट्यूशन है उन्हीं की फैमिली से, तो उनकी बेकरी भी बहुत अच्छी है। एलोरास बहुत फेमस है देहरादून में, और उसी के साथ साथ मेल्टिंग मोमेंट्स, ओपीज जो कि राजपुर रोड पे है, ये सारी दुकानें जनरली राजपुर रोड पे ही हैं। और एक एमकेपी कॉलेज के पास है ग्रैंड बेकर्स, उनका बेकरी बहुत अच्छी है। तो जब मैं बेकरी की बात करूंगा तो चक्राता रोड पे एडीज एक दुकान है, उन भी कुकीज और उनके केक्स, चीज केक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लजीज है। देहरादून की एक और स्पेशलिटी है ब्लूबेरी चीज केक। ब्लूबेरी चीज केक, हाँ जी। ब्लूबेरी चीज केक में कई जगह पे तो क्रीम डाल दी जाती है, मैं देखता हूँ और शहरों में कि ब्लूबेरी चीज केक बनाते हैं तो उसमें जो बेस होता है वो क्रीम से बन जाता है, लेकिन यहाँ पर वो खास तौर से चीज से बनता है बेस उसका, और ऊपर ब्लूबेरीज लगाई जाती, फ्रेश ब्लूबेरीज, तो कि बहुत ही अच्छा केक है। तो एडीज एक बेकरी है, मतलब एक कैफे है, जो बहुत अच्छा ब्लूबेरी चीज केक बनाते हैं, उनके कुकीज भी बहुत बेहतरीन है। और तो गौरी साहब एक सेकंड में आपको यहाँ रोकता हूँ, तो जैसे आपने ब्लूबेरी केक की, चीज केक की बात करी, तो आपके हिसाब से पूरे देहरादून में सबसे बढ़िया ब्लूबेरी केक कौन बनाता है चीज केक? मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ब्लूबेरी चीज केक तो एडीज ही बनाते हैं वैसे। हाँ, और भी कई कैफे हैं, जैसे ऑर्चर्ड एक कैफे है राजपुर में, उनका भी वो भी चीज केक और रेड वेलवेट केक के लिए जाने जाते हैं, उनका भी अच्छा होता है। ऐसे ही एल्थम एक बेकरी है जो राजपुर की साइड पे, जब हम मसूरी की तरफ जाते हैं तो एक जगह आती है डायवर्जन, डायवर्जन पे एक बेकरी है एल्थम, उनकी पाइनएप्पल पेस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, उनका केक भी बहुत अच्छे हैं। तो देहरादून में बेकरीज की बहुत ही ऑप्शंस हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बेकरीज हैं, और बेहतरीन खाने आप वहाँ पे खा सकते हैं। और साहब यहाँ देहरादून में क्या वो कल्चर है कि वो गोल वाले जो रस होते हैं उसमें वो सफेद मक्खन लगा के भी सुबह चाय के साथ खाने, वो वहाँ पे वो सिस्टम है? हाँ, वो उसको मजाक में कई बार बोलते हैं रस्क मलाई। रस्क मलाई, रस्क के ऊपर मलाई लगाया और उसको चाय के साथ खाया। और कई लोग जैसे कई लोग रस्क को चाय में डुबो के खाते हैं, तो वो भी एक, तो जैसे हमारी मम्मी बोलती थी कि जब हम ऐसे किस तरह से खाते थे तो कहती थी ट्रक ड्राइवरों की तरह तुम क्या खाते हो, रस्क को इसमें मलाई लगा के खाओ। तो रस्क का अलग अलग तरह से यहाँ प्रयोग होता है और अलग अलग तरह से उसको खाया जाता है, लेकिन रस्क एक बहुत ही लोगों का स्टेपल डाइट है। और एक और चीज है जिसको बोलते हैं फेन। फैन, चाय की दुकानों की बात करी तो यहाँ का फैन भी बहुत अच्छा है, जो चाय की दुकानों में मिल जाता है, जो नमकीन होता है, हाँ जी, हाँ जी, बेकरी आइटम, और वो भी चाय के साथ
अक्सर खाया जाता है। और ये सब बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ साथ देख रहे हैं, और जैसे मैंने बताया एक हमारे मित्र हैं राकेश आहूजा, वो देहरादून के रहने वाले हैं पर यहाँ गुड़गांव में रहते हैं, घर आना जाना लगा रहता है, पिछले हफ्ते वापस आए हैं। तो जितने नाश्ते की जगह आपने बताई वो सब पे ताली बजा रहे हैं और बता रहे हैं कि यार ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद शेफ आनंद कृष्णन है नोएडा से, वो कह रहे हैं कतलम्बे, तो देहरादून के कतलम्बे मेरे लिए नई चीज है, अभी वहां जरूर जाने वाले बहुत जल्दी। एक मनीष गुलाटी हमारे दोस्त है, वो भी फूड ब्लॉगर और फूडी है। आपने जितनी बेकरीज की बात करी वो सारी बेकरीज वो सारे आपके पीछे पीछे दोहरा रहे और कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और ये ब्लूबेरी चीज केक आपने बहुत एक नई चीज बताई है, बहुत ही बढ़िया लगा, और आई थिंक दैट्स अ रिविलेशन। अब हम बेकरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मेन कोर्स की तरफ चलते हैं, लंच और डिनर जी। तो देहरादून में हमारे जैसे आदमी जो देहरादून से बाहर से आते हैं और अगर लंच या डिनर टिपिकल करना हो वहाँ का, तो कौन कौन सी जगह ऐसी जहाँ वेज और नॉन वेज लंच मील्स के लिए जाया जा सकता है? जी हाँ, तो अगर जैसे देहरादून टूरिस्ट टाउन है तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते जाते खाना ढूंढते हैं, तो यहाँ पे मेन कोर्स की भी बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन है। जैसे कि अगर गढ़वाली फूड आप ढूंढ रहे हैं तो गढ़वाली फूड एक तो मसूरी रोड पे है देसी चूल्हा, एक रेस्टोरेंट है चूल्हा, ओके हाँ देसी चूल्हा। और अगर थोड़ा सा आप इंटीरियर में जाना चाहें तो माल देखता साइड पे एक है डंडियाली कैफे, तो डंडियाली कैफे और देसी चूल्हा में आपको गढ़वाली खाना मिल जाएगा। गढ़वाल के अपने बहुत ट्रेडिशनल फ्लेवर्स हैं, बहुत ही एक टिपिकल फ्लेवर्स हैं, जैसे गैत की दाल होती है या मंडवे की रोटी होती है या पल्लड़ होता है जो कि एक ड्रिंक होती है मठे से बनता है, तो अगर थोड़ा सा उन्हें एडवांस नोटिस दे तो वो ये सब चीज़ें आपके लिए बना सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मल खाने की बात करें कि जैसे किसी को बटर चिकन खाना है या मटर पनीर खाना है या मिक्स्ड वेज खानी है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट को मैं बहुत हाईली रैंक करता हूँ कि प्रेसिडेंट होटल जो है एशले हॉल में देहरादून में, उनका खाना बहुत ही अच्छा होता है और कंसिस्टेंट क्वालिटी होती है, कंसिस्टेंट टेस्ट होता है। इसी तरह से ब्लैक पेपर है प्रेसिडेंट के साथ, और एक पैटियो रेस्टोरेंट है जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है, तो देहरादून में जो सर्दियों की धूप है बहुत ही अच्छी होती है, तो अगर धूप में बैठ कर आप खाना खाना चाहें तो पैटियो में जा सकते हैं जो मेन राजपुर रोड पे है। और इसके साथ साथ ऐसे दूर दूर के भी रेस्टोरेंट्स हैं, दूर दूर की भी जगह हैं, जैसे कालसांग हो गया, अगर वहाँ पे चाइनीज फूड खाना है तो कालसांग है या केसी सूप बार है, और सारे अलग अलग बजट्स के भी हैं। साउथ इंडियन खाना हो तो एक रेस्टोरेंट साउथ इंडियन वाइब्स, उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है खाना, तो वो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऐसे ही अगर बटर चिकन खाना है तो डैडीज एक रेस्टोरेंट है, उनका बटर चिकन भी अच्छा है। तो जैसी आपकी पैलेट है, जैसा आपका टेस्ट है, उस हिसाब से आप कई रेस्टोरेंट्स देहरादून में मिल जाएंगे मेन कोर्स के लिए। ये और सब मेरे एक मित्र अरुण कॉल कॉल साहब ने पूछा है कि क्वालिटी मोटेल एक राजपुर रोड में हुआ करता था कॉन्टिनेंटल फूड के लिए, वो अभी एग्जिस्ट करता है? अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी मोटेल तो बंद हो गया कुछ साल पहले जी, वो उनका खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लजीज था, खासकर उनके कीमा के समोसे, कीमे के समोसे बहुत फेमस थे। बहुत बड़ा समोसा होता था, अपने आप में एक फुल मील होता था, और कॉन्टिनेंटल फूड्स भी बहुत अच्छे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वाइंड अप कर दिया। उनकी एक टॉफी होती थी, क्वालिटी टॉफी, जो अभी भी मिलती है उस दुकान के साइड पे मिलती है, तो अगर क्वालिटी की कोई याद किसी को रखनी है तो वो क्वालिटी टॉफी अभी भी खा सकता है, वो अभी भी मिलती है, बाकी अनफॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट अब नहीं है क्वालिटी से। तो ये क्वालिटी टॉफी वो नॉर्मल कैंडी जो होती है वही वाली है? नहीं, नॉर्मल कैंडी नहीं होती, इसको हम देहरादून में बोलते हैं स्टिक जॉ। ओके, स्टिक जॉ का मतलब ये है कि वो आपके जॉ में चिपक जाती है जब आप इसको खाते हैं, तो वो बटर की टॉफी होती है, बटर और कैरामल की टॉफी होती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशल है। जो देहरादून में आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत बहुत ही लोगों का बचपन जो कि अब दूसरे शहरों में रहते हैं लेकिन उनका बचपन देहरादून में गुजरा है, देहरादून के बचपन की एक खास याद स्टिक जॉ टॉफी है, जो क्वालिटी की। तो जो भी
वापस आता है देहरादून अपने बचपन की यादें ढूंढता हुआ, वो ये टॉपिक जरूर जी। अच्छा, ये जयपुर से मेरे दोस्त हैं अनिल राज कपूर, ये पूछ रहे हैं कि धाम पहले अभी भी अवेलेबल है देहरादून में? हाँ, मिल जाता है कुछ कुछ जगह पे, जैसे मैंने बताया डंडियाली में या तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है गढ़वाल का, ये थोड़ा सा एडवांस नोटिस भी देना पड़ता है, आप रिसर्च करें और ऐसी जगहों को ढूंढ लें और उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें कि हम इतने लोग खाना खाने आ रहे हैं, तो वो आपके लिए वो स्प्रेड बना देते हैं उस खाने का। ओके ओके ओके। एक स्ट्रीट फूड की बात भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि देहरादून में स्ट्रीट फूड किस तरह का मिलता है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज मशहूर है? जी हाँ, देहरादून के स्ट्रीट फूड में सबसे पहले तो मैं कतलम्मे की बात करूंगा कि कतलम्मा एक बहुत ही ओरिजिनल फ्लेवर है, बहुत ही ऐसा फ्लेवर है जो कि बहुत साल से यहाँ पे है और लोगों का फेवरेट है, लोग उसको खाने के लिए आते हैं दूर दूर से। इसी के साथ साथ जैसा मैंने पहले कहा कि फ्यूजन फूड्स। अच्छा, एक सेकंड ये बताइए, जो आपने कतलम्मा बोला अभी हम जब नाश्ते की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे हैं, ये स्ट्रीट फूड कतलम्मा क्या सारा दिन अवेलेबल रहता है या सुबह ही रहता है अवेलेबल? ये 3 बजे तक दोपहर। अच्छा, 3 बजे तक तो रहता ही है। ओके, ठीक है ठीक है, राइट। 3 बजे के बाद रन आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन 3 बजे तक मिल जाता है। पुरानी सब्जी मंडी में एक प्रजापति कतलम्मा वाला है, तो उसके पास भीड़ लगी रहती है 3 बजे तक, उसके बाद वो वाइंड अप करके चले जाते हैं। जी, तो अब आप आगे बात कर रहे थे। या और जब जैसा आपने कहा, मैंने भी बताया था कि फ्यूजन फूड्स हमारे यहाँ बहुत हैं, जैसे बन टिक्की की बात करें तो टिक्की मिल गई है बन के साथ, बन भी यहाँ के बहुत स्पेशल है बेकरी की वजह से। और जी, और वो टिक्की के साथ मिलकर उसके ऊपर मूली की चटनी डालते हैं और एक तरह का इमली की चटनी डालते हैं और प्याज डालते हैं, उससे उसका अलग ही जायका होता है। तो ये एक द्वारका स्टोर, एक जगह है द्वारका स्टोर पर डालन वाला, ये बन टिक्की मिलती है जो कि बहुत ही मशहूर है। इसके साथ साथ फ्यूजन फूड में एक ब्रेड पकौड़े भी बहुत पॉपुलर है। अच्छा, ब्रेड की बीच में आलू की फिलिंग करके उसके पकौड़े बनाए जाते हैं। तो तिलक रोड के 3-4 दुकानें हैं और वहाँ पे वहाँ के ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ा बहुत फेमस है। तो देहरादून में बरसात बहुत होती है हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ। तगड़ा होता है और जब भी बारिश होती है हल्की ठंड भी हो जाती है, तो जैसे ही हल्की बारिश पड़ने लगती है लोग पकौड़े ढूंढने लगते हैं कि बारिश होने वाली है, पकौड़ा और चाय बनती है। तो पकौड़ा जगह जगह पे मिलता है स्ट्रीट फूड में, और चाट का भी बहुत रिवाज है, मछली के पकौड़े मिलते हैं। अच्छा, गांधी पार्क के सामने या मोती बाजार में, तो मछली फिश पकौड़ा भी यहाँ के अच्छे, फ्राइड फिश भी अच्छी मिल जाती है। तो स्ट्रीट फूड काफी वैरायटी है, काफी अलग अलग तरह की स्ट्रीट फूड यहाँ पे मिलती है, और लेकिन धीरे धीरे स्ट्रीट फूड को टिबेटन फूड टेक ओवर कर रहा है। ओके, वो मोमोज और वो चाउमीन और वो सब सूप, मोमोज का रोमांस देहरादून में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और तरह तरह के मोमोज वैसे लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब कोई पनीर मोमो बना रहा है, कोई तंदूरी मोमो बना रहा है। तो यहाँ का जो लोकल ग्रेन होता है मंडुआ, मंडुए की भी मोमोज बना रहे हैं, मैदे की जगह उसमें मंडुआ डाल के उसको स्टीम कर रहे हैं। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं और यूथ के बीच में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि मोमोज खाएं, थुक्पा खाएं और चाउमीन खाएं या चॉपसरी खाएं, ये चीजें काफी पॉपुलर हो रही हैं और ये दूसरे स्ट्रीट फूड को थोड़ा सा ओवरशैडो कर रही है। बताइए, जो अभी आपने मांडवा की बात करी कि लोकल ग्रेन है और वो मैदे की जगह उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे मतलब उसमें वो ग्लूटेन है और वो मैदे की तरह इलास्टिसिटी है उसमें है, या मतलब उसका कुछ टेक्सचर डिफरेंट है? उसका टेक्सचर थोड़ा कलर में डिफरेंस है, मतलब थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाता है, मैदे की तरह व्हाइट नहीं रहता, थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाता है, थोड़ा ग्रेनी भी होता है। ओके, ग्रेनी है, नहीं होता, लेकिन वो एक हेल्थ ऑप्शन है, लोग उसको हेल्दी मानते हैं क्योंकि लोकली ग्रोन ग्रेन है, ऑर्गेनिक है, तो उसको लोग हेल्दी मानते हैं, तो उसको ज्यादा
पसंद किया जा रहा है। तो एक तो आपने आज जो बताया लौकी मोमोज और एक ये मांडवा, ये दो नई चीजें आज हमको जानने में मिली है जी। अच्छा ओरी साहब, आपने अभी बातचीत में चाट का जिक्र किया जी, लेकिन सिर्फ आपने जिक्र किया और आगे बढ़ गया, तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, रुकूंगा एक बार। अब ये बताइए, देहरादून में मेरा अगला प्रश्न यही था कि चाट है वहां पे, देहरादून में चाट कल्चर है या नहीं है? नहीं, देहरादून का चाट कल्चर बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हमारे अच्छा। जो देहरादून शहर के आसपास के शहर हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, पुरकाजी, यहाँ पे चाट का बहुत ही ज्यादा कल्चर है, बहुत ही अच्छी चाट होती है यहाँ पे। तो अच्छा, जब हम देहरादून से दिल्ली जाते हैं, अब तो ये हाईवेज बन गए और एक्सप्रेसवेज बन गए, लेकिन पहले देहरादून से दिल्ली जाने का चाम यही होता था कि मुजफ्फरनगर में रुक के चाट खाई जाएगी जी जी जी, काजी में गोलगप्पे खाए जाएंगे। तो अच्छा। मतलब पड़ोसी शहरों से ये कल्चर देहरादून में भी आ गया, और देहरादून में चाट का अपना अलग मजा है। यहाँ पे एक जमाने में तो चाट वाली गली होती थी, पूरी लेन थी हमारे घंटाघर में, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में, जहाँ पे बहुत अच्छी चाट मिला करती थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की चाट की क्वालिटी में गिरावट आई है, लेकिन ऑल ओवर देहरादून अभी भी बहुत अच्छी चाट मिल जाती है। जैसे अगर सुभाष रोड पे आप कावेरी में जाएं तो उनकी चाट बहुत अच्छी है, कुमार स्वीट्स है, उनकी चाट बहुत अच्छी है, आनंद। तो चाट में क्या 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 आइटम्स वहाँ अवेलेबल है जो अच्छी मिलती है वहाँ पे? जी, सबसे तो ज्यादा पॉपुलर गोलगप्पे ही हैं, गोलगप्पे खट्टे वाले और मीठे वाले। एक तो बिल्कुल खट्टा जो तीखा पानी होता है उसके गोलगप्पे होते हैं, और दूसरा मीठा, खट्टा मीठा पानी वाले जो गोलगप्पे होते हैं। तो यहाँ की चाट काफी बेसिक है, जिसमें आलू या चने उबले हुए डाले जाते हैं खस्ते आटे के ऊपर या टिक्की के ऊपर, और उसके साथ इमली की चटनी और धनिया या पुदीने की चटनी और मसाला। तो जैसे दूसरे शहरों में हम देखते हैं कि कोई अनारदाना डालता है या कोई ड्राई फ्रूट डालता है, जी, वो यहाँ पसंद नहीं किया जाता है। यहाँ की चाट बेसिक और बहुत ही लजीज होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो ज्यादातर खस्ता या दही भल्ले या फिर टिक्की। अच्छा, मनीष गुलाटी पूछ रहे हैं कि कोई छोले कचालू, बीरू की कोई छोले कचालू है वहाँ पे? जी हाँ, छोले कचालू है, कई जगह पे मिल जाते हैं, आलू की चाट भी मिल जाती है। तो छोले कचालू कुछ जगह पे है, अब बीरू का है कि नहीं स्टॉल, ये मुझे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। देखिए, वैसे अगर ये बताएं कि किस एरिया से है बीरू, तो हम फिर उस पर थोड़ी और तहकीकात करते हैं। ठीक है मनीष भाई, आप कमेंट में लिख देना कि बीरू के छोले कुलचे कौन से एरिया में है, तो ओरी साहब थोड़ी उसकी तहकीकात करेंगे। जी जी जी, तो हाँ, फ्रूट चाट, आलू की चाट, कचालू की चाट, ये सब काफी देहरादून में पॉपुलर है दूसरी के साथ साथ, लेकिन यहाँ के जो फ्लेवर है वो बहुत बेसिक है, बहुत प्योर है और बहुत बेसिक है। जैसे कि एक तिक रोड पे एक दुकान है मशहूर चाट भंडार, मशहूर चाट भंडार की खासियत ये है कि आप वहां जाएंगे तो डांट जरूर पड़ेगी आपको। क्यों डांट पड़ेगी? अच्छा हाँ, क्योंकि वो जो चाट बनाते हैं उनकी चाट इतनी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप उनसे जरा से कह देंगे कि भाई साहब थोड़ा जल्दी कर दो, मेरे को देर हो रही है, वो बड़े आराम से बनाते हैं, तो वो कहेंगे कि आप जाइए यहाँ से, आपको चाट खाने की तमीज ही नहीं है, तो आप यहाँ आए क्यों? ये कौन सी मशहूर चाट भंडार है, ये कहाँ पे है? तिलक रोड पे। तिलक रोड पे लोग चाट कम और डांट ज्यादा खाने जाते हैं वहाँ पे। वाह ये यहाँ तो जाना बनता है। हाँ, लेकिन है बिल्कुल खालिस हेरिटेज और बहुत ही उम्दा चाट है, बहुत ही बढ़िया चाट है, खाने लायक चाट है, और वो जो चटनी है उसमें भी गुड़ और शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं। अच्छा, मिठास के लिए, तो वो भी एक मतलब उन्होंने ट्रेडिशनल फ्लेवर को मेंटेन किया हुआ है। और कावेरी हो गया, आनंदम हो गया, कुमार स्वीट्स हो गया, यहाँ की चाट बहुत अच्छी है और बहुत ही खाने लायक है। अच्छा देखो मनीष जी, मेरे को लगता है कि देहरादून से बहुत प्रेम है इनको, इन्होंने दो चीजें बता दी है। एक तो आपको बताया इन्होंने कि वो जो बीरू की चाट है वो इन्होंने छोले और कचालू उन्होंने मच्छी बाजार में लिए खाए थे। मच्छी बाजार में, अच्छा
चलिए मैं ढूंढने जाऊंगा इसको जरूर। दूसरा वो कह रहे हैं कि तोता राम की कोई पाइनएप्पल शिकंजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लग रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या चीज है? तो हमारे देहरादून के बीचों बीच एक गांधी पार्क है और गांधी पार्क की बाउंड्री के साथ ही एक तोता राम की बहुत ही पुरानी दुकान है। अच्छा। तो तोता राम वैसे हमारे एक पड़ोस की जगह है, पड़ोस का शहर है नजीबाबाद। नजीबाबाद के रहने वाले हैं और रोज नजीबाबाद से वो देहरादून में आते हैं अपनी दुकान लगाने। अच्छा। और फिर शाम वापस चले जाते हैं। ओ। तो आज भी उन्होंने वही रूटीन मेंटेन करी, उनके बेटे ने, अब तो तोता राम जी तो खुद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके बेटे ने भी यही रूटीन मेंटेन करी है। और ये एक पाइनएप्पल इन सिरप होता है जिसमें वो नींबू और मसाला डाल के एक ड्रिंक बनाते हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही बढ़िया ड्रिंक होती है जो कई लोग इसको काफी पसंद करते हैं और वो सिर्फ इसी ड्रिंक को ही सर्व करते हैं। अच्छा अच्छा, आपने बताया गांधी पार्क की बाउंड्री के साथ लगाते हैं। जी, और हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं ये दुकान और इस पे जब भी उधर से गुजरते हैं तो वो पाइनएप्पल जूस जरूर पीते हैं उसका। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो नजीबाबाद से रोज आते हैं और रोज जाते हैं, मतलब फादर भी यही करते थे और सन भी यही कर रहे हैं। जी जी। एक हमारी व्यूअर है निशा मेहरा, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मटर की चाट भी वहाँ पे काफी फेमस है देहरादून में। हाँ, मटर की चाट भी जगह जगह मिल जाती है और पर ज्यादातर लोग घर पे बनाते हैं। अच्छा, ज्यादातर घर में बनाते हैं। घर पे बनाते हैं तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में या जैसे चाट की दुकान में थोड़ा कम मिलती है, लेकिन घर पे लोग काफी उसको बनाना प्रेफर करते हैं। टूरिज्म, ये मटर की चाट मतलब वो मटरा है या ये हरे वाला मटर है जिससे चाट बनती है? हरे वाला मटर है जो देहरादून की आसपास की पहाड़ियां, वहाँ का मटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत सॉफ्ट मीठा मटर होता है वो, मतलब आप उसको वैसे ही निकाल के खाते रहे तो ये बहुत मजेदार होता है। तो लोग उसको उबाल लेते हैं और उसमें मसाला नींबू खटाई डालकर उसको चाट बनाई जाती है लाइक अ स्नैक, बहुत पसंद। तो और साहब अब चाट भी खा ली और हमने स्ट्रीट फूड गोलगप्पे भी खा लिए, तीखा पेट लंच और डिनर तो आपने बता ही दिया है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये मेरे मित्र हैं राजीव सूटे, पूछ रहे कि गढ़वाली या पहाड़ी फूड के लिए देहरादून में दो तीन रेस्टोरेंट आपने जिक्र भी किया था, एक बार जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी जगह है जो टिपिकल पहाड़ी या गढ़वाली फूड के लिए। जी, तो गढ़वाली फूड के लिए मैंने बताया कि जैसे मालदेवता एक एरिया है हमारा रायपुर में, वहाँ पे एक डंडियाली कैफे है, तो डंडियाली कैफे के पास पूरी गढ़वाली थाली भी होती है जिसमें कई तरह के गढ़वाली फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं और डिजर्ट भी मिल जाता है, तो उसको आप, लेकिन उनको थोड़ा सा एडवांस नोटिस आपको देना पड़ता है फोन पे, आप उसको उनकी जो साइट है उसको सर्च कर लें, उनका नंबर लेकर उनको एक बार बता दें तो वो आपके लिए पूरा कोर्स रेडी रखेंगे। ऐसे ही डायवर्जन एक जगह है, जब मसूरी की तरफ जाते हुए डायवर्जन एक जगह है, वहाँ पे देसी चूल्हा है, तो देसी चूल्हा में भी गढ़वाली फूड मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जगहों पर गढ़वाली फूड नहीं मिल पाता, लेकिन ये दो जगह हैं जहाँ का मुझे गढ़वाली जायका काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं कह रहा था ओरिसा, बीच में एक क्वेश्चन ले लिया ये हमने कि हमने तीखा भी खा लिया और वो खट्टा भी खा लिया, और अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मीठे की जरूरत है। तो ये बताइए देहरादून की मिठाइयाँ वो कहाँ कहाँ क्या क्या बढ़िया है? जी, देहरादून की मिठाई भी अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत अच्छी है। जैसे मैं बात करूँ अगर नंबर वन पे, तो कुमार स्वीट शॉप की बात करूंगा, तो कुमार स्वीट शॉप बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और उनकी मिठाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, खासकर उनकी जो मिठाई है वो रसमलाई बहुत फेमस है। अच्छा। उनकी कुल्फी बहुत अच्छी है और बहुत ही एक खास मिठाई है लौकी का लड्डू, जो लौकी का लड्डू। ओके। जी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि उसमें लौकी और कोकोनट डाला जाता है और दूसरे नट्स डाले जाते हैं और बहुत ही लाइट, बहुत ही कम मीठा, लेकिन बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर है। तो जो लोग उस चीज को पसंद करते हैं वो लौकी का लड्डू काफी खाते हैं। ऐसी एक दुकान है आनंदम, तो आनंदम की स्वीट्स भी बहुत ही अच्छी हैं, उनका पेठा बहुत अच्छा है,
उनकी काजू बर्फी बहुत अच्छी है। और जहाँ तक हम पहाड़ की मिठाई की बात करें तो पहाड़ की मिठाइयाँ हैं, जैसे एक मिठाई होती है जिसको बोलते हैं चॉकलेट, लेकिन वो चॉकलेट नहीं होता है, वो दूध को काढ़ते रहते हैं जब तक दूध ब्राउन ना हो जाए चीनी के साथ, और तो वो ब्राउन जो दूध होता है उसको बोलते हैं चॉकलेट। ओके। ब्राउन दूध के ऊपर आप कुछ सफेद गोलियां लगा देते हैं, बचपन में हम कहते थे ये होम्योपैथिक की गोली। एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था कि हम बचपन में उसको बोलते थे होम्योपैथिक की गोलियां लगा देते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो होम्योपैथिक की गोली नहीं होती है, वो एक यहाँ पे लोकल फ्लेवर होता है जिसको बोलते हैं भांग जीरा। अच्छा। भांग के बीज होते हैं उसको बोलते हैं भांग जीरा। तो भांग जीरा के इज कोटेड विद शुगर, शुगर कोटेड भांग जीरा वो होता है जिसको उस चॉकलेट के ऊपर लगाते हैं तो वो बाल मिठाई बन जाती है। हाँ जी, हाँ बाल जी, मिठाई पहाड़ की बहुत ही फेमस मिठाई है, बहुत लंबे समय तक वो बिना रेफ्रिजरेशन के सर्वाइव कर जाती है। तो बंगाली स्वीट शॉप है देहरादून में घंटाघर पे की बाल मिठाई बहुत अच्छी है, और तो कई लोग वहाँ से बाल मिठाई खाते हैं। और वैसे उनकी बंगाली स्वीट्स भी बहुत अच्छी हैं, रसगुल्ला बहुत अच्छे हैं, संदेश बहुत अच्छा है। तो ये तो बात हुई मिठाइयों की। ऐसे चेतनपुरी वाले जो हैं, चेतनपुरी वो एक नवरत्न लड्डू बनाते हैं। मैं पूछने वाला था कि आपने मिठाई में उस समय जिक्र किया था नवरत्न लड्डू, वो क्या है? तो नवरत्न लड्डू एक 9 तरह के आटे को मिला करके, 9 तरह के ग्रेन्स को मिला करके और लड्डू बनाया जाता है, जो कि अपने आप में थोड़ा हेल्दी होलसम है, और डिजर्ट के तौर पे उसको भी लोग काफी पसंद करते हैं। वैसे एक रेस्टोरेंट है ऑर्चर्ड, उनके हनी नूडल्स विद आइसक्रीम, वो भी अच्छा। एक की बहुत ही फेमस डिजर्ट है, लोग उसको खाने जाते हैं। हाँ। तो ऐसे कई अलग अलग तरह के जायके यहाँ पे मिल जाते हैं बेकरी के साथ। बेकरी तो खैर है ही, जो चीज केक्स और उसकी पेस्ट्रीज की बात हमने करी, वो सब चीजें यहाँ है ही। उसके साथ साथ मिठाई भी बहुत अच्छी मिलती है देहरादून में। तो आपने जिक्र किया था बेकरी का नाम लिया और मिठाई का नाम लिया, तो बचपन की एक वो होती थी क्रीम रोल। जी हाँ, आई एम श्योर देहरादून में क्रीम रोल भी बहुत अच्छा मिलता होगा। तो बिल्कुल, देहरादून की खास चीज है क्रीम रोल, और बड़े बहुत बड़े बड़े क्रीम रोल यहाँ मिलते हैं, जिसमें अच्छा हाँ जिसका जो क्रस्ट होता है वो थोड़ा सॉल्टेड होता है और जी, अंदर उसमें स्वीट क्रीम होती है, तो एक उसका अपना खास फ्लेवर होता है। तो सनराइज का क्रीम रोल हो गया, एलोराज का क्रीम रोल हो गया, ग्रैंड का क्रीम रोल हो गया, ये सब क्रीम रोल अपने आप में बहुत पॉपुलर है, काफी फेमस है। जी हाँ। अच्छा और साहब, मैं ना अभी ऑलमोस्ट समय बीता जा रहा है और आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे मालूम है मेरे पास क्वेश्चंस बहुत है। जी। मैं आप पे थोड़ी सी जिसको बोलते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं एक रैपिड फायर करता हूँ आपके साथ। मैं देहरादून उसके आसपास की कुछ जगहों के नाम लेता हूँ और आपको अगर एक या दो चीजें टॉप ऑफ द माइंड में क्या आती है, वहाँ कौन सा आउटलेट और वहाँ पे क्या खाना चाहिए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने देहरादून, ओल्ड देहरादून में अगर एक या दो जगहों पे आपको जाना और कुछ खाना हो तो कौन सी जगह है और क्या। जी, ओल्ड देहरादून की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले लूंगा पंजाब रेस्टोरेंट का नाम। पंजाब में जो हमारी मिक्स वेज या पनीर की डिशेस बहुत अच्छी हैं और उनकी ब्रेड्स भी बहुत अच्छी हैं। इसके साथ मैं रॉयल कैफे का नाम लूंगा, रॉयल कैफे की बन मक्खन और चाय। वाह, ये रॉयल कैफे का बन मक्खन चाय आपने संभाल के रखा था, पहले नहीं बताया। क्योंकि और भी बहुत कंटेंडर्स हैं ना बन मक्खन चाय के लिए। तो रॉयल कैफे एस्ने हॉल, वो पुराना मतलब फॉर हेरिटेज वैल्यू, फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू रॉयल कैफे बहुत ही स्पेशल है। रेलवे स्टेशन बचपन में वहां जाया करते थे। अच्छा 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 जी, तो रस्किन बॉन्ड वहीं पास में रहते थे और बचपन में वो रॉयल कैफे में बहुत बैठा करते थे और चाय और बन मक्खन, तो इसलिए ओल्ड देहरादून के लिए वो मैंने बचा के वो वैल्यू है उसके। यस। अच्छा, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास एक कस्तूरी का ढाबा है। कस्तूरी का ढाबे में जो आपको ट्रेडिशनल फूड, दाल फ्राई, मिक्स वेज, इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ स्टेशन के आसपास एक और भी बहुत ही अजीब सी चीज मिलती है जिसको बोलते सर्कस।
तो सर्कस कई जगह में मिलती है, सर्कस छोटी छोटी दुकानों में, छोटे छोटे खोमचों पे, और सर्कस में हर तरह की वो मिला देते हैं चीजें। अच्छा। जो भी मतलब वैसे जो आपके जैसे हाई टेस्ट वाले लोग हैं वो कहेंगे थोड़ा वाहियात है ये, लेकिन नहीं, वो नहीं। बन में जैम भी मिला देते हैं और केचप भी मिला देते हैं और सब्जियां भी मिला देते हैं, वेजीज भी मिला देते हैं, लेकिन लोग अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बनवा के खा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पे सर्कस अगर कोई जरूर ट्राई करना चाहिए लोगों को, अगर कोई बहुत ही एडवेंचरस है फूड के मामले में, मतलब काफी मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। ओके, हनुमान चौक। तो हनुमान चौक पे तो चेतनपुरी, चेतनपुरी वाला, चेतनपुरी वाला, और उनके साथ कतलम में, कतलम में भी पास ही में है, तो दोनों चीज अपने आप में बहुत ही लजीज हैं और देहरादून की खासियत है। मोती बाजार, मोती बाजार में एक तो आपके व्यूअर ने कचालू की चाट बता दी है, वहां पे खस्ता कचौरी बहुत अच्छी मिलती है, एक अच्छा, छोटी सी टोकरी है जहाँ पे खस्ता कचौरी मिलती है, और मोती बाजार के पास ही एक नेगी पान, जो पान उनका है वो बहुत ही खास है, जिसको बोलती बंद पान कहते हैं, इतना बड़ा अच्छा, पान होता है, उसको आप डाल तो 5 मिनट तक आपकी बोलती बंद रहेगी लेकिन वो फ्लेवर आपके धीरे धीरे आपके उसमें गलेट में जाता रहेगा। वो नेगी भाई का पान जो है वो भी एक झंडा बाजार में बहुत ही खासियत है देहरादून की, वो भी लोगों को ट्राई करना चाहिए। क्लॉक टावर एरिया, क्लॉक टावर में तो सनराइज बेकर्स, सनराइज बेकर्स के पिस्ता बिस्किट्स, उनके क्रीम रोल, रस्क्स बहुत ही फेमस हैं, और वहीं पे कुमार स्वीट शॉप है, कुमार स्वीट शॉप में आप पूरी, आलू, ये सब चीजें खा सकते हैं, और उनकी कुल्फी, उनकी मिठाई, उनका मैंगो शेक बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छा। चाट वाली गली, चाट वाली गली अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अब वहां पे जो चाट की क्वालिटी है वो थोड़ी गिर गई है, और वहां पे कुमार चाट वाला है, उनकी चाट बहुत ही अच्छी है, और चाट वाली गली के बिल्कुल सामने एक दुकान है गीलॉर्ड। हाँ जी, गीलॉर्ड में सॉफ्टी आइसक्रीम, जो देहरादून में चलन है कि जब बर्फ पड़ने वाला मौसम हो, बहुत ही ठंड हो, तो आप आइसक्रीम खाइए। वाह तो ये देहरादून मसूरी की खास वो है, एक रिवायत है कि जैसे बहुत ठंड हो जाती है, बिल्कुल सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है, तो लोग सॉफ्टी खाने जाते हैं गीलॉर्ड पर। गीलॉर्ड भी एक अच्छी ऑप्शन है वहां पे। द्वारका स्टोर क्रॉसिंग का आपने जिक्र भी किया था, तो द्वारका स्टोर क्रॉसिंग में क्या आपको बढ़िया लगता है? एक चीज द्वारका जो बन टिक्की है, बन टिक्की तो लाजवाब है। द्वारका स्टोर के पास ही देहरादून के बड़े फैंसी स्कूल्स हैं, जैसे वेलम बॉयज, वेलम गर्ल्स, और कई और स्कूल्स भी हैं जो कि बोर्डिंग स्कूल हैं, तो बच्चों को जैसी छुट्टी मिलती है वो सीधा बन टिक्की खाने जाते हैं, और तो सस्ता और बढ़िया ऑप्शन खाने का बन टिक्की तो है ही है। साथ में द्वारका स्टोर पे एक बेकरी भी है जिसको बोलते हैं ला ओपेरा, बहुत ही महंगी और हाई क्लास बेकरी है, पर बहुत ही अच्छा सामान है, बहुत ही लाजवाब। ला ओपेरा यहाँ दिल्ली में भी है जी, बिल्कुल वो इटालियन स्टाइल बेकिंग जो है वो ला ओपेरा में मिलती है। राजपुर रोड, तो राजपुर रोड पे आनंदम, राजपुर रोड पे आनंदम है, उनका उनका जो पूरी आलू है, पूरी छोले हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका पेठा जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है उनका, और रसमलाई और कुल्फी, जितनी भी मिठाई की चीजें हैं, और चाट आनंदम, दोनों ही बहुत। और अगर मेन कोर्स की बात करें तो, अगर कॉन्टिनेंटल फूड की बात करें तो मैं कहूंगा प्रेस एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड सर्व करता है, बहुत ही ऑथेंटिक कॉन्टिनेंटल फूड सर्व करता है एशले हॉल में, तो उसको भी लोगों को ट्राई करना चाहिए। वेरी गुड। और लास्ट में अब मेरे को आप बताइए, पुराना बस अड्डा। जी, पुराना बस अड्डा है, पुराना बस अड्डा में एक पुराने बस अड्डे के पास जो कि हमारे शहर के बीचों बीच बस अड्डा था, तो वहाँ पे एक जोशी जी की दुकान है, बूफे जिसको बोलते हैं, तो बूफे बहुत ही फेमस दुकान है देहरादून की, जहाँ पे ब्रेड रोल,
और सैंडविच अच्छे मिलते हैं। तो देहरादून में जो खाना है ना उसकी वैल्यू चटनी के साथ भी बहुत मैच की जाती है कि भैया चटनी कैसी है। ठीक है चलो ब्रेड रोल सभी बना लेंगे, आप ये बताओ कि चटनी कैसी होती है। अच्छा तो जोशी जी की बूफे की चटनी काफी खास है, इसलिए लोग वहाँ पे बर्गर खाने और ब्रेड रोल खाने और कोल्ड कॉफी पीने जाते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो पुराने बस अड्डे के लिए तो जोशी जी बूफे और साथ ही एक और दुकान है जोशी मोमोस। अच्छा तो वो भी एक पुरानी दुकान है देहरादून की, खास दुकान है और मोमोस कई तरह के मोमोस वहाँ मिलते हैं, लोग उसको खाने जाते हैं। और साहब आपने इतना खजाना हमारे दर्शकों को आज बता दिया है और मुझे लगता है कि लंबी लिस्ट है आपके पास, अभी और भी बहुत खजाना है लेकिन समय भागा जा रहा है बहुत तेजी से। मैंने एक सवाल आपके लिए आखिर में बचा के रखा हुआ था और अपने दर्शकों के लिए मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया था कि ओरी साहब ऑथर हैं, ओरी साहब वहाँ देहरादून में पले बड़े हैं और ओरी साहब वहाँ पे वॉकिंग ग्रुप चलाते हैं, सब कुछ है। एक और बहुत मजे की बात है कि ओरी साहब का अपना एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, कैफे लाटा जी। ओरी साहब आपने इतनी चीजें जगह की बताई और लाटा का जिक्र नहीं किया, अब आप मुझे बताइए अपने लाटा के बारे में। एक तो उसका नाम बड़ा आपने यूनिक सा रखा है और उस कैफे के बारे में बताएं। जी हाँ जी, तो हाँ मैंने उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि अपनी तारीफ अपने मुंह से करना तो ठीक नहीं होता। लेकिन कैफे लाटा भी हमारी जो वॉकिंग ग्रुप है उसका एक एक्सटेंशन ही है, क्योंकि हमारी जो जैसे किताब है मैंने बताया उसका नाम है वॉकिंग विद लाटा। तो लाटा एक पहाड़ी शब्द है, ये बहुत सारे कैफे लाटे बोल देते हैं लेकिन वो लाटे कॉफी से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, ये शब्द लाटा से प्रेरित है जो कि एक पहाड़ी शब्द है। गढ़वाल में, कुमाऊं में, नेपाल में लाटा वो होता है जो सबसे बुद्धू आदमी होता है, तो सबकी मदद कर देता है। अच्छा, और जिसको कहते हैं कि गांव का वेला आदमी जिसको बोलते हैं ना, जिसे पंजाबी में तो वो सब लोग कहते हैं वेला है, चल तू ये काम कर दे। वो बेचारा भाग भाग के लोगों की मदद करता रहता है तो उसको बोलते हैं। तो एक गांव में हम लोग गए थे वॉक करने के लिए, तो वहां पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे कहा, मेरी बातें सुनी और बोला कि यार तुम लोग कह रहे हो, आप तो पैदल चलने की बात कह रहे हो, आज तो जेट एज है, हवाई जहाज के लोग चल रहे हैं, 6G की बात कर रहे हैं, 4G तो पीछे रह गया और आप कह रहे हो पैदल चलो, तो आप तो लाटा ही हुए। अच्छा। तो कि आप तो लाटे वाली बात करते, बुद्धों लोगों वाली बात कर रहे हैं। तो मुझे वो काफी पसंद आया, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये हमारे ऊपर फिट बैठता है, इसलिए हमने कैफे का भी नाम रख दिया कैफे लाटा। और कैफे लाटा भी ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारे रीजनल फ्लेवर्स हैं, हमारे जो पहाड़ी फ्लेवर्स हैं, उनको यूथ के लिए जो या जो नए टेस्ट नए पैलेट के लोग हैं उनके लिए किसी तरह से इन फ्लेवर्स को थोड़ा फ्यूज किया जाए, थोड़ा मिक्स एंड मैच किया जाए। जैसे एक हमारे फेमस ड्रिंक है जिसको हम बोलते हैं बुरांश मोहितो। हाँ। बुरांश एक फूल होता है जो पहाड़ में लगता है। हाँ जी, हाँ जी। पेड़ों पे लगता है, उसको अंग्रेजी में रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। हाँ। तो वो रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर से एक ड्रिंक बनती है जिसको बोलते हैं बुरांश शरबत। तो हम लोग शरबत यूज नहीं करते, उसका एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं बुरांश का, एक मोहितो बनाते हैं। इसी तरह हम एक लाटा पास्ता बनाते हैं जिसमें कोशिश करते हैं कि जो लोकल फ्लेवर्स हैं जैसे भंगजीरा का फ्लेवर हो गया, जखिया का फ्लेवर हो गया, उसको इस्तेमाल करें और वो लोगों को प्रेजेंट करें ताकि यूथ के लिए भी एक जो पैलेट है उनकी भी सेटिस्फाई हो और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनका भी एक तरह से पॉपुलैरिटी बढ़े। जी तो मैं कहां पे सिचुएटेड है आपका कैफे लाटा? जी हमारा कैफे लाटा जो है वो जाखन में है, जाखन ये मसूरी रोड पे पड़ता है। जैसे मेन राजपुर रोड से जब आप मसूरी की तरफ जा रहे हो तो क्लॉक टावर से लगभग 4 किलोमीटर आगे मेन मसूरी रोड पे पड़ता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी ये मैजिक ऑफ फ्लेवर्स का जिक्र करेगा कैफे लाटा में आकर, उसको हम 10% डिस्काउंट जरूर देंगे। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया आपने कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं ही आने वाला हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, आपको तो हम वैसे ही खिलाएंगे। और साहब बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि अभी एक घंटे से ज्यादा मैंने आपसे बोला था 45-50 मिनट बात करेंगे, एक घंटा और 5 मिनट हो गए, आपका समय बहुत ज्यादा ले लिया, और आपके पास अभी लिस्ट लंबी है, मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत लंबी है, तो मुझे लगता है एक दिन मैं अगला शो आपके कैफे में बैठ के लाइव करने वाला हूँ वहीं से। क्या बात है, बिल्कुल जरूर। थैंक यू वेरी मच ओरी साहब आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी, इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आई रियली अप्रिशिएट योर शो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे श्री लोकेश ओरी, और इनके पास तो पूरा खजाना था देहरादून। देखिए हम मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, और इन्होंने भी बताया कि देहरादून को लोग नॉर्मली ट्रांजिशन पॉइंट मानते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन वहां देहरादून में रुका जाए तो बहुत ही मजा आने वाला है, इतना कुछ है वहां पे। और यस, और जब मसूरी जा रहे हो देहरादून से तो जरूर कैफे लाटा में रुके, और वो जो फ्यूजन फ्लेवर्स हैं ट्रेडिशनल फूड के और यूथ पैलेट के लिए, वो जरूर ट्राई करने चाहिए। तो ओरी साहब का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, और इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दोस्त अनुभव सापरा जो दिल्ली फूड बॉक्स के हैं। मैं जब अनुभव से बात कर रहा था तो अनुभव के माध्यम से ही मैं ओरी साहब से मिला, अनुभव के साथ ओरी साहब ने एक दिल्ली फूड बॉक्स का वीडियो भी बनाया था देहरादून के लिए, तो अनुभव ने मेरे को ओरी साहब से मिलवाया, तो अनुभव सापरा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बड़ा मजा आया आज बात करने में देहरादून के बारे में, बहुत कम लोग बात करते हैं, और मुझे और ज्यादा अच्छा लगा कि इतना खजाना है वहां पे कि देहरादून मुझे जल्दी जाना चाहिए, और सिर्फ देहरादून ही जाऊंगा और देहरादून होके वापस आ जाऊंगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दोस्त राहुल वधावन का जो मेरी पूरी टेक्नोलॉजी बैकएंड संभालते हैं, जीजो इब्राहिम जो हमारा डिजाइन संभालते हैं, अनिल राज कपूर, रोमा ऐसाबेल और श्रद्धा गुलाटी जिनके फूड ग्रुप्स के फेसबुक फूड ग्रुप्स पे ये शो साइमल्टेनियसली चलता है, और मेरी बेटी ओस तारा जो मेरे शो में बैठ के मेरे साथ साथ देती है पूरा कंसेप्चुलाइजेशन के लिए। शो आज का समाप्त करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे बहुत जल्दी 25वां शो आ रहा है, और 25वें शो की खुशी में हम 23 अक्टूबर को शनिवार के दिन पुरानी दिल्ली में एक फूड वॉक करने वाले हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। हमने मेरे फेसबुक पे ऑलरेडी उसको अनाउंस कर दिया हुआ है, बहुत सारी रजिस्ट्रेशन आनी हमको शुरू हो गई हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो उस फूड वॉक के लिए, मैं खुद उसमें शामिल होऊंगा, उस फूड वॉक को लीड करूंगा, मेरे से बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके साथ सेल्फी खींचने का मौका होगा, आपसे बातचीत करेंगे और पुरानी दिल्ली के जायकों से आपको परिचय कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्यों कि हमारी लिमिट है 25 लोगों की, क्योंकि 25वां एपिसोड है, तो हम 25 लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे, और इससे पहले कि आप चाहते हैं कि आपका नाम लॉटरी में आ जाए तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन करा लें, हम 25 लोगों को उसमें ग्रुप में से चुनेंगे और उनको हम लेके जाएंगे फूड वॉक पे चांदनी चौक की गलियों में 23 अक्टूबर को सुबह सुबह, आपको इसकी सारी जानकारी मेरे फेसबुक पे मिल जाएगी। सो मैं आपसे आज विदा लूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं अगले शुक्रवार को हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, और वो खास मेहमान बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह की जो हम सबके दिल के नजदीक है। तो अगले शुक्रवार तक के लिए वो मेहमान कौन से हैं, उनसे क्या जानकारी मिलने वाली है, ये हम बहुत जल्दी अपने फेसबुक पे अनाउंस करेंगे। अगले शुक्रवार तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।